हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है, इसमें मैं कुछ चीज़ें आप सभी से बात करना चाहती हूँ, किसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि मेरी वीडियो टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो सभी लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। रात को 8 बजे को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, बट मैं पिछले कुछ वीडियोस को मैं रात को 8 बजे ही पोस्ट की थी, 8 बजे 10 बजे सब टाइम पे पोस्ट करके देखती थी, लेकिन उन वीडियोस पर रिस्पॉन्स नहीं आए हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं आए हैं, तो मुझे नहीं पता है। बहुत लोग ऐसा भी आप लोगों में से बोले कि मैं जो बताती हूँ वो पहले से यूट्यूब पर है, तो शायद आप लोग वीडियोस जब देखते ही नहीं हो तो पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है कि जो टाइटल होती है वीडियोस की वो ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, बट वीडियोस के अंदर का कंटेंट ना, मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मैं बताती हूँ वो दूसरे चैनल पे नहीं बताया गया है। क्योंकि मैं कभी, आप समझ सकते हो कि मैं एक छोटे छोटे बच्चे के साथ हूँ और उसको संभालने में दूसरे चैनल को देखने का बहुत रेयर टाइम मिलता है। मैं लिमिटेड चैनल है जो जिसको देखती हूँ, वो भी ब्लॉग चैनल है, जिसमें से चांदनी ब्यूटी जोन ये मैं देखती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है, स्टार्टिंग से ही पसंद है। मैं तब से पसंद करती हूँ जब वो उसके 300 सब्सक्राइबर थे, तब से आज तक मैं उनको फॉलो करती हूँ, मतलब देखती हूँ। तो कुछ चैनल है जिसको मैं देखना पसंद करती हूँ, ज़्यादा चैनल देखने का टाइम भी नहीं मिलता है, कभी कभी तो उनको भी नहीं देख पाती। पिछले कुछ दिनों से इतना हैट्रिक शेड्यूल रहा है मेरा कि मैं वीडियोस तो डालती हूँ लेकिन मेरा शेड्यूल बहुत हैट्रिक रहा है, क्योंकि मैं एक छोटे बच्चे की माँ हूँ और उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, ना उठने का, ना सोने का, ना खाने का, ना रोने का, ना रहने का। बहुत बहुत परेशानी होती है। अगर आप छोटे बच्चे की माँ हो तो आपको पता है। तो फाइनली टाइम के बारे में मैं बता देती हूँ कि अब से मेरे वीडियोज़ सुबह 8 बजे पब्लिश हुआ करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे जेन्युइन सब्सक्राइबर से कि वो मुझे सुबह 8 बजे देखेंगे। दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि पिछले कुछ टाइम से मैं प्रेगनेंसी के ऊपर कोई वीडियोस नहीं बना रही थी। इसका रीज़न ये था, मैं सच बोलूँगी, कि कुछ लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे, जिनको मतलब हर बात का आंसर चाहिए था जो मुझे पता नहीं होता था। आप एक ठंडे दिमाग से आप सोचना, मैं नहीं बोलूँगी कि आप मेरे वीडियोस देखो नहीं देखो, ये अलग मैटर है, लेकिन आप ठंडे दिमाग से ये बात सोचना कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं जानती हूँ और उसके बारे में आपको गलत सलाह दूँ, गलत बताऊँ, ये क्या सही होगा? नहीं होगा ना। दूसरा, आप लोगों को पता होगा 2-3 महीने पहले मैं बहुत लोगों की रिपोर्ट को डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर से बात किया, उनको एडवाइस, मतलब डॉक्टर ने क्या बोला सब कुछ मैंने बताया। करती थी ना ऐसा? जो मेरे पुराने लोग हैं जो देखते होंगे, जो देखते थे उनको पता होगा। तो खैर, मैंने हमेशा बोला है कि उनका काम ख़त्म, बहुत लोग चले गए चैनल से, ठीक है, मुझे दुख हुआ, लेकिन फाइनली उस दिन मेरा अपना गुस्सा निकालने के बाद मेरे कोई सबसे अब कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन इन सब चीज़ों में हुआ क्या कि मैं डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा ही कुछ प्रेशर देने लगी थी, मुझे टाइम दो टाइम दो टाइम दो टाइम दो। मैं इवन ये भी बोलती थी कि आप मेरे से फील, जो आपका फीस है 15 मिनट टाइम दो, आपका जो भी फीस है वो ले लेना, मैं ये बोलती थी। तो डॉक्टर एक दो बार तो एग्री हुई, लेकिन जब मैं बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब 200-300 पेज मैं ले जाने लगी, तो ऑफकोर्स डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी, दिमाग ख़राब होगा उसका। तो उनका हेल्पिंग नेचर था, उन्होंने इतना हेल्प किया, मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हेल्प किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मतलब पहले तो इग्नोर करना मुझे शुरू किया, बोलते थे टाइम नहीं है टाइम नहीं है, और उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने मुँह पे मना कर दिया कि मैंने एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, तीन बार ठीक है, लेकिन बार बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे पेशेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर वो सही थी अपनी जगह पे, क्योंकि मुझ पे भी प्रेशर था और मैंने उन पे प्रेशर बनाया, तो ये सब चीज़ें ऐसी हो गई। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वीडियोस में, मतलब किसी भी दूसरे टॉपिक पे वीडियोस बनाती थी, उस पे व्यूज़ नहीं आते थे, तो मन अंदर से तकलीफ पाता था कि शायद मेरे सब्सक्राइबर ऐसे ही इसी चीज़ों के लिए आते हैं। और तो मैं भी थोड़ा सा, मेरा मन में काफ़ी टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रही। मैं पिछले एक गुस्से वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बता भी दिया था कि मैं काफ़ी परेशान थी, फ्रस्ट्रेशन में थी, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं है, तो और सब्सक्राइबर गेन होते जा रहे हैं। खैर, उस दिन मैंने अपना गुस्सा निकाला, जिन लोगों को मेरे चैनल से जाना था वो गए,
अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि रह के भी अगर वीडियोस ना देखो तो जैसे सब्सक्राइबर को यूट्यूबर से उम्मीदें होती है, वैसे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइबर से भी उम्मीदें होती है कि हाँ अब वो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है तो देखेंगे। आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब किए हो तो देखोगे, ऐसा हर यूट्यूबर सोचता है, बोले ना लेकिन सोचता है। तो मैंने भी ऐसा हुआ, मैंने भी ऐसा सोचा था लेकिन नहीं हुआ। फिर खैर जो भी है, जो भी मैटर है, सब्सक्राइबर गए तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है। दुख था कि हाँ इतने सब्सक्राइबर थे चले गए, लेकिन हाँ चले गए तो ठीक है, क्योंकि जेन्युइन नहीं थे। अभी भी मैं देख रही हूँ कि अभी भी मेरे ऑलमोस्ट 6,000 सब्सक्राइबर फिर हो गए हैं, 4,700 समथिंग से 6,000 पर सब्सक्राइबर आए हैं, लेकिन वो लोग भी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो वो भी मुझे दुख लग रहा है। तो ठीक है, सब लाइफ का ये हिस्सा है। कुछ लोग हैं जो ट्रूली मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को मजाक समझते हैं, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ पे ताने मारते हैं, कुछ लोगों को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, कुछ लोगों को छोड़ो क्या बोलूँ, कुछ लोग वल्गर कमेंट करने से भी नहीं बाज आते हैं। तो ठीक है, अब देखो वल्गर कमेंट वालों को मैं रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतने टाइम से, 2.5 साल हो गए ना, 2.5 साल से अब ज़्यादा ही हो गया, अब तो 3 साल होने वाले हैं, और मैंने कभी अपने चैनल पे कोई नेगेटिविटी ना पैदा की है, ना करने दी है, ना ही किसी को वल्गर बोलने दिया है, ना मैंने बोला है, तो आगे भी नहीं होगा। तो जो वल्गर बोलते हैं मैं उसको इंस्टेंटली ब्लॉक करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए चैनल पे जो मेरे चैनल पे आके नेगेटिविटी फैलाए। और ऑफकोर्स चैनल मेरा है, तो जब मैं प्यार दिखाती हूँ, हंसी दिखाती हूँ, खुशी दिखाती हूँ, तो गुस्सा भी तो दिखाऊंगी ना, है ना, हर किसी के लाइफ में होता है। और सब्सक्राइबर को हम क्या मानते हैं, फैमिली। और आज भी उस दिन गुस्सा करने के बाद भी आज भी इंस्टा पर मैं लोगों को रिप्लाई देती हूँ, ले सबको नहीं बोलूँगी लेकिन उन लोगों को जरूर देती हूँ जो जेन्युइनली उसकी जिसको नीड होती है और मुझे पता होता है। नहीं पता होता है तो मैं आज भी बोलती हूँ मुझे पता नहीं है। खैर जो भी है, तो अब 2-3 चीज़ें मैं अपने चैनल पर करने वाली हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को। जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो मेरे चैनल का नाम था इंडियन लाइफस्टाइल विथ रितु। तो इसी नाम से आपका जो सर्च बार होता है ना, वहाँ पे यही नाम आज भी शो होता है। तो बहुत महानुभाव हमारे लाइफ में होते हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि वो हमारे वेलविशर हैं। उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि ये बहुत लंबा नाम है तो इसको चेंज करो, तो मैंने इसको चेंज किया, लेकिन मुझे फ़र्क समझ में आ रहा है कि उस नाम चेंज करने से बहुत मेरे चैनल को नुकसान हुआ है, तो मैं अपने चैनल का नाम फिर से इंडियन लाइफस्टाइल विद रितु ही रखूँगी। सेकंड, मैं आपको बता दूँ मेरे जो चैनल पे जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे की होगी, 8 बजे की। अगर किसी दिन मैं 8 बजे वीडियो पोस्ट ना कर पाऊँ किसी रीज़न से, तो उस दिन मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी कि कितने बजे वीडियोज़ आएगा। अगर नहीं किया तो समझो उस दिन वीडियोस नहीं आएगा। और आप लोग वीडियोस देखते हो या नहीं देखते, लेकिन एटलीस्ट कम्युनिटी तो चेक कर लिया करो, वहाँ पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती है, कम्युनिटी चेक कर लिया करो ताकि उतने से भी मुझे खुशी मिलेगी। और तीसरा, चैनल पे अब मैं हर चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी मेरे इस चैनल पे जिस पे ये वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो उस चीज़ पर हर चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, पेरेंटिंग, क्योंकि मैं अब 1 साल से बड़े बच्चे की मॉम बन चुकी हूँ, तो इन 1 सालों में मैंने क्या फेस किया है बच्चे के साथ, क्या ऊंच नीच सही है, क्या चीज़ें देखा है, नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें फील किया है, सब कुछ बताऊँगी। एंड प्रेगनेंसी के ऊपर भी जो मैं जानती हूँ उस पर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और अभी मैं नए डॉक्टर के सर्च में हूँ जो मेरी हेल्प कर पाए, लेकिन ऑफ कोर्स मैं पहले की तरह प्रेशर उनको नहीं दूंगी। तो ये सब मैं नए चैनल पे अब मैं फिर से करने वाली हूँ, और अपने बाकी 2 चैनल है उस पे भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, लेकिन वहाँ पर एवरीडे वीडियो अपलोड नहीं होंगे, कभी कभी होंगे, और उसका भी मैं टाइम एक निश्चित कर लेती हूँ। और उस पे भी अगर आप लोग मुझसे, अभी भी मैं बोलूँगी, अगर आप लोग ट्रूली मुझसे प्यार करते हैं तो आप लोग मेरे तीनों चैनल पे सपोर्ट करो, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। बाकी लोग जो चले गए उनकी तरह अभी भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी, कोई बात नहीं है, लेकिन अब मुझे खुश रहना है और चैनल को चलाना है चाहे कोई देखे ना देखे। छोटा सा अपडेट करना था आप लोगों को, इस बारे में बताना था, ज़रूरी था,
क्योंकि मैं ना मन में घुड़ 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 नहीं कर रह सकती हूँ, मन में रख के घुड़ 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 नहीं कर सकती हूँ, घुट नहीं सकती हूँ, घुड़ घुड़ नहीं, घुट घुट नहीं सकती हूँ। तो नया अपडेट मैंने दिया ये, और आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या ख्याल है इस पे, और जो भी ख्याल हो अगर सपोर्ट करोगे तो बहुत खुशी होगी, और नहीं करोगे दुख होगा, लेकिन ठीक है, लाइफ है, ऐसी चलती है। सपोर्टर भी मिलते हैं, हेटर्स भी मिलते हैं, और ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ना आपको सपोर्ट करते हैं ना हेट करते हैं, तो सब चलता है, ठीक है। तो यही छोटा सा अपडेट है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझोगे इस बात को और आप लोग मेरा साथ देते रहोगे। जो भी 100-150 लोग मेरे साथ देते हैं वो देते रहेंगे, और जो नहीं देते हैं उनके लिए भी थैंक यू कि वो चैनल पे कभी तो आए थे, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस पर नई एनर्जी, नया सब कुछ नया होगा। और अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो उसको ठीक कर आप लोग बताना कि क्या कमी है। एडिटिंग भी मैं आजकल सुधार रही हूँ, बहुत अच्छे से एडिटिंग पे ध्यान दे रही हूँ, बहुत टाइम देती हूँ एडिटिंग पे। कंटेंट भी सुधार रही हूँ, कंटेंट पे भी ध्यान देती हूँ, और भी कुछ ध्यान देना तो बताना मुझे ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।